परमेश्वर का हमारे लिए जो प्लान है वो हमें भिन्न भिन्न तरीक़ों से बताते हैं, और जब हम विश्वास में उस प्लान के लिए चल निकलते हैं तो वो हमें अपने काम के लिए ताकत स्ट्रेंथ देते हैं। वो कभी भी हमें ऐसी स्थिति में नहीं लेके जाते जहाँ पर उनकी अनुकंपा उनका अनुग्रह हमें रख ना सके। वो सिर्फ कैपेबल ही नहीं है लेकिन वो विलिंग है, ईगर है, बहुत आतुर हैं कि हमारे जो सपने उन्होंने हमें दिए हैं उन्हें पूरे करने में सहायता करें। किसी भी इंसान को ये हक नहीं है कि वो इस धरती पर आए और जो उसे काम परमेश्वर ने दिया है उसे पूरा किए बिना यहाँ से वापस चला। A very warm welcome to all of you. अभी हाल ही में हमारे पास एक दर्शक आए जिन्होंने हमें अपने एक सपने के बारे में बताया जो वो बार बार देख रहे हैं। तो वो ये जानना चाहते थे कि वो ये सपना क्यों बार बार देखते हैं, उसका क्या कारण है, और वो ये भी जानना चाहते थे कि वो इसके बारे में वो कुछ कर सकते हैं कि नहीं। आज हम जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब, और पवित्र बाइबल में भी हम ये देखेंगे कि सपने, सपनों और विजन्स के बारे में क्या लिखा गया है। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं आज का वचन। आज का वचन हमने लिया है अय्यूब की पुस्तक जो 33 33वां अध्याय उसकी 14 से 18 यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भी एक क्या वन दो बार बोलता है परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात के दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। दूसरा रीडिंग हमने लिया है दानियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 26 से 30 आयत पर यहाँ इस प्रकार लिखा है, राजा ने दानियल से जिसका नाम बेल्टेशज़्ज़ार भी था पूछा, क्या तुझमें इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित ना तंत्री ना ज्योतिषी ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का स्पष्ट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है, हे राजा जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। तो सपने क्या होते हैं और क्या हमें इन पर चलना चाहिए या इनको मानना चाहिए? सबोपदेशक एक्लेसियास्टिस के 5वें अध्याय के 3 आयत में लिखा है, सपने काफ़ी एक्टिविटी विचारों के कारण जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो बाहर से हमें ये चीज़ें आती हैं हमारे मन के अंदर, इनके कारण आते हैं। रात को सोने से पहले आपने कोई डरावनी कोई सीरियल देखा, कोई पिक्चर देखी, हो सकता है रात को आपको डरने का कोई सपना आता है। तो जो ये सपने हैं दीज अ सीरीज ऑफ थॉट्स, विचारों की एक श्रृंखला है, इमेजेस हैं, इमोशंस हैं जो कि हमें सपने में जो हमने देखा था दिन में सुना पढ़ा वो सब हमें दिखाई देते हैं। हिब्रू भाषा के अंदर सपने का मतलब है बांधना और बड़ी मजबूती के साथ जोड़ना। सपना हमें एक तरीके से दुनिया के साथ बांध देता है और जो परमेश्वर की तरफ से सपना आता है वो हमें परमेश्वर के दर्शन की तरफ बांध देता है। परमेश्वर हमें दर्शन देता है, अपने आदेश क्या वो कहना चाहते हैं वो हमें देते हैं। बाइबल के अंदर तकरीबन 125 लोगों के बारे में 125 बार सपनों या सपने लेने वालों के बारे में लिखा गया है।
सो ये नहीं है कि पवित्र वचन के अंदर सपनों के बारे में नहीं लिखा गया है, उसके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे कान खोलते हैं कि हम सुन सकें जो वो कहना चाहते हैं हमें, हमारी आँखें खोलते हैं कि हम देख सकें जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं, और हमारा मन खोलते हैं ताकि हम परमेश्वर के मन को समझ सकें, आत्मा के द्वारा उसके मन को समझ सकें, उसके अंदर झांक सकें वो हमारे लिए क्या प्लान है, हमसे क्या चाहते हैं। प्रभु यीशु ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि अपने सपनों के पीछे चलो, सपनों को ढूंढो, सपनों के पीछे उसको फॉलो करो। उन्होंने हमेशा यही कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, वचन के पीछे आओ, वचन के साथ चलो। तो बाइबल में जो सपनों के बारे में लिखा गया है उसका क्या मतलब है? वचन के अनुसार हर चीज़ का एक मतलब है, उसका मतलब है, और उस मतलब को समझना ही हमारी जिम्मेदारी है, हमें वो मतलब समझना है। जब हम उस मतलब को समझ लेते हैं तब हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानना, उसके जो आदेश है उन्हें समझना, यही चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि हम उसके मुताबिक चल सकें। परमेश्वर की इच्छा जानना, हम ये करने लगने लग जाते हैं कि परमेश्वर की मेरे लिए इच्छा क्या है, जबकि हमारे लिए ज़रूरी है परमेश्वर की इच्छा क्या है। एक घर में हम गए, वहाँ पर बैठे तो ऊपर से सीमेंट गिर रहा था, तो पूछा कि यह क्या हुआ। उसने बताया कि मैंने ट्रक मंगाए थे रेता के, उस बंदे ने रेता हमें दे दिया है उस जगह से जहाँ पर के रेते के अंदर सॉल्ट भी था, जैसे समुद्र के किनारे पर होता है, वो रेता उसने दे दिया। उसे पता नहीं था कि इस रेते को किस लिए इस्तेमाल किया जाए, उसने सोचा ये फिलिंग के लिए है, नीचे ज़मीन पर बिछाया जाएगा, उसने बुला के दे दिया। अगर उसे ये पता होता कि इस रेते के साथ बिल्डिंग बनाई जाएगी, उस पर प्लास्टर किया जाएगा, शायद वो अच्छा बना, दूसरा रेता ला के दिया। इसीलिए हमारे लिए यह जरूरी है परमेश्वर की ओवरऑल इच्छा क्या है, मेरे लिए इच्छा का जब हम वो समझ लेते हैं तब उस इच्छा के अनुसार हम फिर काम करते हैं, और उसके साथ हमें उसमें काम करना आसान हो जाता है। और इसी प्रकार सपने हैं, जो सपनों के अंदर जो उसकी इच्छा में बताई गई है वो हम समझ सकते हैं। उत्पत्ति के 28वें अध्याय के 10 से 13वीं आयत तक यकूब को सपना, उसमें परमेश्वर सीढ़ी देती है, वो कहते हैं मैं परमेश्वर हूँ, अब्राहम का परमेश्वर मैं हूँ, भगवान परमेश्वर। तो उसका कारण वो क्या चाहते हैं, उसे उसे एनकरेज कर रहे हैं क्योंकि वो उस इलाके को छोड़कर जा रहा है, वो उसे सिखाना चाहते हैं। उत्पत्ति के 37वें अध्याय की 5वीं आयत में यूसुफ जोसेफ को सपना आता है, जोसेफ को सपने में वो पता चलता है कि उसका जो सोर्स है सपने का और उसे पूरा करने की जो शक्ति है वो परमेश्वर में है और किसी में वो शक्ति नहीं। उत्पत्ति के 41वें अध्याय में 1 से 13 तक फिरौन को सपना आता है, सात साल पढ़ने वाला, उसका उस सपने के द्वारा परमेश्वर उस इलाके को, इजिप्ट को ही नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट के जो मुल्क हैं उनके अंदर जो ड्रॉट आना है, जो कमी की स्थिति आनी है, उस स्थिति में लोगों को बचाने के लिए उसे वार्निंग दे। पहला राजा 3 अध्याय में 5वीं आयत में सुलेमान को सपना आता है, तब मैं हम पूछते हैं तो तेरे को क्या चाहिए, वो उसका दिल जांचना चाहते हैं, उसका दिल जांचना चाहते हैं कि उसमें क्या चाहता है। इसी प्रकार सपनों के अंदर हमें परमेश्वर अलग अलग तरीके से बताता है। मत्ती के 1 अध्याय की 20वीं आयत में यूसुफ को सपना आता है, उसकी पत्नी के बारे में परमेश्वर उस सपने के द्वारा उसे सच्चाई दिखाना चाहता है ताकि वो सब जान सके कि जो बच्चा मरियम के पेट में है वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का पुत्र है। कुछ सपने कुछ विजन हमें जानते हुए भी दिखाई देते हैं, वो क्या है? अय्यूब का हमने पढ़ा 33 के अध्याय के 24-18 तक, सपने के अंदर विषय के अंदर परमेश्वर हमें अपने अभिमान से बचाते हैं ताकि हम अपने अभिमान के अंदर आके कहीं किसी तरह की गलती ना करें। यर्मिया 17 की 10वीं आयत में लिखा है वो हमारे मनों को जांचता है, हमें सहायता करता है हम अपने मन को जांचें
ताकि जो कमज़ोरियाँ हमारे अंदर हैं हम उन्हें समझ सकें और उनको एड्रेस कर सकें, उन्हें हम ठीक कर सकें। इसी प्रकार यशाया 55:8 में वो ये कहते हैं मेरे विचार तुम्हारे विचारों से भिन्न हैं, परमेश्वर के विचार हमारे विचारों से भिन्न, हम इंसान हैं वो परमेश्वर। वो इसलिए बताते हैं कि जो तुम्हारे विचार हैं उनको मैं अपने विचारों के साथ उस लाइन में ला सकूं, उसके बराबरी में ला सकूं। गिनती 12:6 में वो प्रॉफिट्स जो नबी हैं उनकी आइडेंटिटी उनके बारे में बताने के लिए सपने देते हैं, विषय देते हैं, ताकि ना सिर्फ ये जान सके कि कौन नबी है बल्कि उसको क्या बताया गया, परमेश्वर का वचन क्या है, उसके लिए क्या आदेश है, ताकि वो उसकी सच्चाई के बारे में बता सकें, ताकि हम उसके बारे में जान सकें। तो इस प्रकार सपनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं, उसके अलग अलग मतलब हैं, उसका मतलब है। तो ड्रीम्स और विजन्स में क्या फ़र्क है और हमें कैसे पता चलता है कि हमें ड्रीम सपने आए हैं या हमें कोई विजन दिखाई दे रहा है? बेसिक डिफरेंस है सपना सोते हुए है, विजन करते हुए। विजन हम आँखें खुली से देखते हैं, सपना आँखों बंद से देखते हैं। ड्रीम्स जो सपने हैं उनकी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर उनको सपना आता है उसे उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए लाने लाना पड़ता है। फिर उनके ही वो बटलर हो जो उसका प्याऊ हो, दोनों का सपना आता है, जो जेल में जाते हैं उसे उसको इंटरप्रेट करता है। जबकि विजन है उसे इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं, वो क्लियर दर्शन है। दाऊद को विजन मिलता है परमेश्वर के घर के बारे में, उसकी मेशरमेंट सब कुछ उसको साफ दिखाई देता है। इसी प्रकार डैनियल को विजन मिलता है एंड टाइम्स के बारे में, परमेश्वर के घर के बारे में। अपोस्टल जॉन को विजन मिलता है स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग में क्या है, कैसे होता है वहाँ पर, क्या हो रहा है और क्या होगा एंड टाइम्स के बारे में, परमेश्वर के न्याय के बारे में। तो विजन और ड्रीम्स में बेसिकली यही फर्क है सोने और जागने के बारे में, इंटरप्रिटेशन। हमें कैसे पता चलता है कि जो हमारा ड्रीम या विजन है वो इज़ फ्रॉम गॉड? हाउ डू वी नो दैट आवर ड्रीम और विजन इज़ फ्रॉम गॉड? ये एक बात है, हमारे पास लोग टेलीफोन करते हैं कि मुझे दर्शन आया है कि मेरा घर बनने वाला है, मैंने लॉटरी की टिकट डाली है तो मेरी लॉटरी की टिकट। जो सपना या जो ड्रीम जो विजन हमारे पास आया है वो हमारी कैपेबिलिटी से बड़ा है, वचन के अनुसार है, तभी वो परमेश्वर की तरफ से है। हमारी रिसोर्सेस, मेरी कैपेबिलिटी है तो छोटा काम कर लें, लेकिन सपना बहुत बड़ा है जिसमें परमेश्वर के बिना वो सपना पूरा ही नहीं हो सकता। यस, पॉसिबली वो परमेश्वर की तरफ से। सपना जो आपके पीछे लगा रहे हैं जिसको आप छोड़ ना सकते, आज आपने सपना देखा, विजन देखा आपने, 2 महीने बाद 4 महीने बाद फिर चलता रहे, सालों साल चलता ही रहे जब तक वो पूरा ना हो जाए। वो ड्रीम सपना जिसके लिए आप सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, वो सपना जो सोसाइटी की एक अनमेट नीड है, जो ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए हो, पूरा करने के लिए। सपना आया फिरौन को, 7 साल अकाल होगा, 7 साल बहुतायत होगी, सोसाइटी की ज़रूरत थी उसे सपना आया होगा। सपना जिसका काफ़ी देर तक लास्टिंग इम्पैक्ट हो, देर तक दूर तक इम्पैक्ट करे, सपना जो परमेश्वर को महिमा उसकी महिमा दिखाए, जिसको पूरा हर होने के साथ परमेश्वर की महिमा हो, वही सपने हैं जो परमेश्वर की तरफ से होते हैं। उन्हीं सपनों को हमें पूरा करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि वो सपने हैं परमेश्वर की तरफ से, हमारी कैपेबिलिटी से बाहर हैं। दुनिया के लिए, किसी के लिए उससे भला होने वाला, लोगों का भला होने वाला वो सपने हैं दुनिया की तरफ से। तो हम अपने ड्रीम्स के बारे में या सपनों के बारे में कैसे समझें या कैसे समझ सकते हैं? नीति वचन के अंदर 25 में अध्याय की 2 आयत में लिखा गया है,
परमेश्वर की महिमा है बातों को छुपाना और राजाओं की महिमा है उन भेदों को जानना. परमेश्वर छुपाते हैं. दानियल ने 26वें अध्याय के 30 दूसरे अध्याय की 26 से 30 आयत तक कहा है सपना के बारे में. मैं नहीं बता सकता इसका मतलब. परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर बता. तो हमें परमेश्वर से ही पूछना पड़ेगा, प्रार्थना में जाना पड़ेगा. हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा, उस जांचना पड़ेगा उसे कि क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है. अगर सपना परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, वचन से बाहर है, शारीरिक ज़रूरतों के लिए है, परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकता. उत्तर जानने के लिए हम ढूंढें दो तीन लोगों को जो पवित्र आत्मा से भरे हुए. लेकिन इसमें एक दिस इज अ टू एज स्वॉर्ड. इसमें अच्छा भी बुरा भी होता है. कुछ एक लोग हम ऐसे गलती चुन सकते हैं जो सपने को पूरा करने के बजाय उसमें रुकावटें डालने वाले होते हैं. दैट इज़ पॉसिबल. या उस सपने को इतना बहुत आयत में चारों तरफ फैला दें कि शैतान उसने पहले इंटरवीन करके उसको रोकने में यूज की उसमें रोक. हालांकि सपने को पूरा करने के लिए परमेश्वर की सपोर्ट है, लेकिन शैतान फिर भी उसे रोकने की कोशिश जरूर कर सकता है. तो हम ये देखना पड़ेगा हमें कि इंटरप्रिटेशन के लिए हम किससे बात कर रहे हैं. क्या वो आत्मा से भरपूरी में सचमुच में है? क्या वो कॉन्फिडेंस के साथ हम उसके पास जा सकते हैं कि वो एक भेद को रख सकता है? जो भी सपना है उसे हम लिख लें, डिटेल में उसे लिख लें. उसकी इंटरप्रिटेशन क्या आई हमारे लिए या किसी और के द्वारा, उसका हमें समझ उसकी क्या है, वो भी हमें. तो परमेश्वर के सामने रखें, वो जरूर उसे रिवील, उसको रिवील उसके बारे में बताएंगे, इसकी सच क्या है. मीका की 6वें अध्याय के 8वीं आयत में लिखा है जो भी दर्शन है, जो भी बात है, उसके जो की पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उनको एनालाइज करो, उनको समझो. अगर वो जो की पॉइंट्स हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं तो ठीक ही. मत्ती साहब के साथ बहुत मशहूर आयत है जिसमें लिखा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ दरवाजा खुला. मांगे हम परमेश्वर से ये सपना है, उसका उत्तर मांगे, उसके बारे में उसकी डिटेल मांगे, उसकी सच्चाई मांगे, उसको पूरा करने के लिए रास्ता खोलने के लिए उसे. जब हम उसे मांगेंगे तो सचमुच वो हमारी सहायता करेंगे, दरवाज़ा खुलेगा. सपने के बारे में इंटरप्रेशन का भी दरवाज़ा खुलेगा और उसे पूरे करने में सहायता करने के लिए. तो आजकल भी क्या परमेश्वर हमसे सपनों और विजन्स के द्वारा बात करते हैं? हाँ, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं. और ये वचन जो जब हम पढ़ते हैं ये हो जाए कि हाँ ये मेरे ही लिए है. आत्मा हमें उसके लिए कायल कर दे कि ये आप, ये तुम्हारे लिए है, इसके ऊपर थाम लो इसे और इस पर डट जाओ. तो वो हमारे लिए है वचन के द्वारा. दूसरा प्रॉफिट सभी भी हैं, अनॉइंटेड लोग हैं, आत्मा से भरपूरी में हैं, जो कि जानते हैं वचन के बारे में और वो बात परमेश्वर उसके द्वारा करते हैं. पुराने नियम के अंदर तो वैसे ही परमेश्वर ने प्रॉफिट्स के द्वारा ही बात किया. पहला योहन्ना उसके 4वें अध्याय की 1ली ही आयत में लिखा गया है इवन स्पिरिट्स जो हैं वो भी हमें भरमाने के लिए, भटकाने के लिए गलत डॉक्ट्रिन्स बता सकते हैं, गलत बातों में हमें फंसा सकते हैं. तो उसके बारे में हमें ध्यान रखना है. यिर्मयाह 23 की 25 से 27 आयत तक डिसेप्टिव ड्रीम, डिसेप्शन, शैतान की तरफ से जो भरमाने के लिए, भटकाने के लिए जो बातें हमारे दिमाग में आती हैं वो भी, उसके बारे में भी हमें सोचना. यशाया 29 की 8 में फ्लीटिंग एंड मार्ड नेचर, जो सपने हैं जो कुछ देख हम कुछ रहे हैं एक्चुअल में कुछ और निकलता है. उसमें लिखा है भूखा देखे कि मैं खाना खा रहा हूँ, प्यासा देखे मैं पानी पी रहा हूँ, लेकिन जब उसकी नींद खुले तो वो पाए ना उसने कुछ खाने को है, ना उसके लिए पीने के लिए है, ना तन के लिए वस्त्र. वो डिसेप्टिव ड्रीम है. इस चीज़ के लिए भी हमें
गार्ड करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, उसके बारे में देखना पड़ेगा। तो सपने परमेश्वर हमसे बात करते हैं आज भी सपनों के द्वारा, वचन के द्वारा, लेकिन हम उसके पास वापस जाएं जांचने के लिए कि क्या ये हमारे लिए उसका आदेश है, प्रार्थना उससे करें ताकि वो वचन के द्वारा, किसी के द्वारा, नबी के द्वारा, किसी के द्वारा, अगर वो परमेश्वर की तरफ से कोई ना कोई बताने जरूर आएगा कि हाँ ये आपके लिए दर्शन है, मुझे मिला है, होगा वो सच। उस प्रकार परमेश्वर बात आज भी हम सकें। तो हमें अपने सपने पूरे करने के लिए क्या करना चाहिए? भजन संहिता 46 की 10 में लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। स्थिर रहो, परमेश्वर में स्थिर रहो, उसके वचन में स्थिर रहो, उसको जानने के लिए स्थिर रहो। अब्राहम को परमेश्वर कहते हैं उत्पत्ति सारा के अंदर, आई एम द लॉर्ड गॉड, वॉक बिफोर मी एंड बी परफेक्ट, मेरे सामने चल और परफेक्ट बनता है। तो हम सपने को पूरा करने के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर के सामने ही जाएं, उसी की शक्ति के साथ ही वो हो सकता है, उसकी शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। गेट अलोन विद गॉड, सरेंडर करें, हम सपने को भी उसके सामने रखें, विजन को भी उसके सामने रखें, उससे शक्ति मांगें, उसकी शक्ति के बिना हम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। अपने आप को, अपने विजन को, अपने दर्शन को, अपने डिमांड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, हर चीज़ को हम परमेश्वर के सामने रखें। जब हम उसके सामने रखते हैं तो वही एक क्षमता देता है कि हम उसे पूरा कर सकें। रोमियो की अध्याय पुस्तक के 12वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर हमें गिफ्ट्स देते हैं, शक्तियाँ हमें वो देते हैं जो हमें उन्होंने शक्ति दी है, एक्सपीरियंस दिया है ओवर द ईयर्स। मेरी 66 साल उम्र हो गई, ओवर द ईयर्स जो मैंने सीखा है अपने जीवन के अंदर, उसके साथ चलता हुआ ही मुझे विजन मिल सकता है। हम सारी उम्र में, हमने एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, सारी उम्र में तो हम कहीं पंचायत के अंदर मेंबर भी नहीं बने, गांव के अंदर सरपंच नहीं कभी बने, सपना हम ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो एक्सपीरियंस तो हमें है नहीं। ये सपना परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकता, तो हम जांचें हमारी ट्रेनिंग किस चीज़ में दी है परमेश्वर ने, हमें उसने क्या सिखाया है, क्या हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो विजन है, उसके बराबरी में आ रहे हैं, क्या उसे पूरा करने के हमारे साथ है। रोमियों के 8वें अध्याय में लिखा है 20वीं आयत में या 28वीं आयत में कि ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड फॉर दोज हु लव गॉड, जो परमेश्वर को प्यार करते हैं उनके लिए वो सब चीज़ें उनकी भलाई के लिए, अच्छाई के लिए सब कुछ पूरा आता है। लेकिन क्या हम सिर्फ इस आयत पर पकड़ के बैठ जाएं कि जो भी हो रहा है वो अच्छा ही होगा, चाहे वो गलती सपना हो हम उसको लेके बैठ जाएं? नो, हमें ये देखना पड़ेगा इम्पॉर्टेंट क्या है, ज़रूरी क्या है। जैसे हमने बोला पहले, लास्टिंग इम्पैक्ट, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की महिमा उसके अंदर नहीं है, उसकी ग्लोरिफिकेशन नहीं है, सपना नहीं है, वो विजन आपके लिए नहीं है, परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकता। दूसरी कुरिन्थियों के 1वें अध्याय के 4वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर हमारी तकलीफ़ों के अंदर हमारी सहायता करते हैं ताकि हम दूसरों की सहायता कर सकें। जो हमारे सपने, जो विजन मिलते हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा इम्पैक्ट उसका हो। परमेश्वर की महिमा तभी है जब दूसरों के लिए उसका असर हो, दूसरों को उसका फ़ायदा, कम्युनिटी की कोई अनमेट नीड वो उसे पूरा करता है, वो विजन परमेश्वर की तरफ से, उसी के लिए हमें वो प्यार करता है। फिर हम उसमें अपने जीवन को पूरी तरह लगाते हैं उसे पूरा करने के लिए। जब हम इधर से जुड़ेंगे परमेश्वर के सामने, हमने सरेंडर किया, हम जुड़ गए, तैयार हैं, हम सरेंडर कर दिया है, कोई तरह हमें शक्ति देते हैं, फिर सब रिसोर्सेस हमारे उस विजन सपने को पूरा करने के लिए शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सपना परमेश्वर का है, परमेश्वर उसे पूरा करने के लिए हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। यशाया 45 के 2 में लिखा है, आई विल मूव अहेड ऑफ यू इन स्ट्रेट एंड क्रूक्ड पाथ्स, मैं तुमसे आगे आगे चलूँगा, सब ऊबड़ खाबड़ रास्तों को मैं सीधा करूँगा। फिर वो सीधा करते हैं उन रास्तों को, फिर वो दरवाजे खोलते हैं, फिर वो सब उन फाटकों को भी जो हमें कैद कर रहे हैं, जो हमें रोक रहे हैं, उन सब को रास्ते खोलते हैं। तो हमें
ये मानना है, देखना है परमेश्वर की तरफ से। अब हम गलतियाँ क्या करते हैं ना, हम गलती ये कर देते हैं सपना तो मिला है, जब परफेक्शन हो जाएगी तभी ये पूरा होगा। परफेक्ट मैं पहले अपने आप को ट्रेन करता हूँ। दूसरा ये होता है कि हम किसी और के पीछे लग जाते हैं, उसका सपना ऐसा था मेरा भी उसके साथ मिला लो। आपका दर्शन आपके लिए है, आपकी एक्सपीरियंस आपके लिए है, आपके गुण आपके लिए है, सब उसके साथ कैसे मिल सकता है। दूसरा ये होता है वो सपने को पूरा करने के लिए चेंज नहीं करना चाहते कि जब होगा तो ऑटोमेटिकली मैं चेंज कर जाऊँगा। नो, यू हैव टू स्टार्ट चेंजिंग नाउ। सपना है उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। फिर एक ये भी होता है कि शैतान डाल देता है, वो फेल हो जाना होना तो है नहीं जी, तो क्यों ट्राई करना है। और पर्सनल ब्लॉक्स, नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा तो फिर कभी होगा ही। तो आप जो मैंने पहले कहा था, किसी को भी ये हक नहीं है कि इस धरती के अंदर आए और जो उसे टास्क दिया गया उसे पूरे किए बिना निकल सके। उसे ये देखना ही, उसे वो पूरा करने के लिए क्षमता लेनी पड़ेगी, क्षमता मांगनी पड़ेगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, सहायता करो हमारी, अपनी इच्छा हमारे ऊपर जाहिर करो, अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हमें सिखाइए, हमें जहाँ कीजिए जो आपका विजन आपकी प्लान है ताकि हम उसे पूरा कर सकें, उसके लिए हमें क्षमता दीजिए। हम अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए मिरेकल वर्कर्स बने, जैसे आपका बेटा इस धरती पर आया, दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए, दूसरों के लिए कुर्बान होने के लिए, हम आपके बेटे की तरह ही उसके जैसे बनकर दूसरों के लिए आपका वचन, आपकी आशीषें पहुँचा रहे। पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर सब चढ़ा करो और हमें हर तरह की शैतानी ताकतों से बचा के रखें, ताकि जो आपका मिशन है, जो आपका हमारे लिए काम है, हम उसे पूरा कर सकें। आपकी महिमा हो, आपका नाम जलाल पाए, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम सारे लोग और सारी दुनिया उनके बेटे यीशु के बारे में जानें और हर एक घुटना उनके आगे टेकें। तो मैं, मेरी प्रार्थना यही है कि मे गॉड गिव यू ड्रीम्स विच चेंज लाइव्स ऑफ नॉट ओनली योर ओन बट ऑल्सो इट कैन इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ मेनी अदर्स। मे यू बिकम एजेंट्स ऑफ गॉड टू फुलफिल हिज विजन्स एंड रिवील क्राइस्ट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन। डू सेंड अस योर ईमेल्स एंड ऑल्सो कॉल अस। सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ वंडरफुल वीक। शालोम।